देखिए, आई मीन अभी तक जो खबर आ रही है ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है। वो जहां से ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से वापस आ रहे थे, पहाड़ी इलाका था, बारिश हो रही थी और फॉग था और रात का समय है। तो अभी तक तो जो सारे अंदाजे हैं वो ये है कि एक एक्सीडेंट है और रात भर ढूंढा जाता रहा और अभी कुछ समय पहले ही इसकी लोकेशन मिली है और जहां तक कहा जा रहा है कि कोई भी सर्वाइवर बचा नहीं है। तो अभी तक तो ऑब्वियसली पूरा एस्टिमेट जो लिया जा रहा है वो यही है कि ये एक एक्सीडेंट है जो कि वेदर कंडीशंस के कारण और वेदर कंडीशंस के साथ हो सकता है ह्यूमन एरर यानी कि पायलट का एरर कंबाइन हो गया हो, उन दोनों चीजों के चलते ये क्रैश हुआ है। राष्ट्रपति का चॉपर होगा तो उसकी मेंटेनेंस और हर चीज उसकी टॉप क्लास होती है। परंतु एक बात है, ये जो हेलीकॉप्टर था ये अमेरिकी ओरिजिन का था, तो पुराना हेलीकॉप्टर था। और याद रखिए ईरान सैंक्शंस में है अमेरिका द्वारा बड़े लंबे समय से। तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि जो इनकी मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी के कारण ईरान के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस पूरी उस हिसाब से शायद नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। परंतु फिर भी जो प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा है हेलीकॉप्टर, वो आई थिंक ईरानियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग तो फुल्ली प्रॉपरली टेक्निकल रूप से पूरा स्ट्रांग होगा, पूरा फिट होगा, तभी उसको वो उड़ाते हैं। क्योंकि अपने टॉप ऑफिशियल्स को वो किसी ऐसे अनमेंटेन्ड या इल इक्विप्ड हेलीकॉप्टर से नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जहां तक तो इरेनियन अथॉरिटीज की बात है, उनके हिसाब से तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से फिट होगा, एयरवर्दी होगा। परंतु हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतना पुराना हेलीकॉप्टर था और अमेरिकी सैंक्शंस हैं, तो उसके चलते क्या इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में कुछ कमी रह गई थी जिसके चलते ये क्रैश हुआ है। आने वाले वक्त में फिलहाल के लिए तो एक तो ईरान के अंदर रिएक्शन देखना होगा कि ईरान की पब्लिक में किस तरह का इमोशनल रिएक्शन आता है। अगर ईरान की पब्लिक इमोशनल रिएक्शन में इसराइल को ब्लेम करती है, चाहे कि कोई तथ्य ना भी हो, तब ईरान की लीडरशिप को शायद कुछ अपना कदम उठाना पड़ेगा दिखाने के लिए भी देखो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक खतरा फिलहाल है। There was a statement given by the Iranian authorities that it was because of the bad weather the Hepter has probably crashed. But whichever team is going to inquire into knowing the cause of the crash will look into all the aspects, which could be human error, which could be technical error or technical glitches, bad weather, and even a conspiracy theory can't be ruled out at this stage. But knowing the exact cause so early will be hazarding a guess. It came as a bit of a surprise and a shock to everybody. But given the kind of weather there was in that particular region, the terrain, it's quite possible that this was an accident. And very often we've seen that in India as well, that the dignitaries, even when it's not safe to fly, sometimes order the officials to fly them out because they have some other pressing engagements and they take those chances. Now, we don't know whether something like that happened. We don't know whether this is a technical fault which brought the helicopter down. We don't know whether this is a weather-related accident which took place, because in those kind of terrains and in that kind of weather conditions, it is very often, helicopters can be extremely accident prone. So that is a possibility. And of course, like everybody is speculating, was this some kind of a sabotage that took place? As of now, nothing can be really ruled out. But I would say that there's a much higher possibility that this was entirely a weather related and perhaps a technical kind of a glitch which brought the chopper down. And